आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इन दिस क्वेश्चन हमको बोला है टू इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन 70 सेंटीमीटर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आर हेल्ड इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली बाय रबर बैंड राउंड देयर एजेस। A liquid of refractive index 1.3 is introduced in the space between the lenses, filling completely. Find the position of the image of the of a luminous point object placed on the axis of a combination lens at a distance of 90 centimeters from it. So, हमको क्या बोला गया? दो हमारे पास convex lenses है, equi-convex lens है, मतलब दोनों का जो right वाला radius और left वाला radius of curvature दोनों का same है magnitude में, ठीक है? उन दोनों को ऐसे जोड़ के रखा हुआ है, तेज पकड़ ऐसे पकड़ रखा है और उसमें हमने एक लिक्विड डाला, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ये लिक्विड है पूरा, ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.n2 बोल दो, 1.3 है, और इन दोनों का क्या है n1 इक्वल टू 1.5, n1 इक्वल टू 1.5 है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक यहाँ पे एक 90 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सो हमको बताना है कि इमेज कहाँ बन रही है इस टोटल सिस्टम से क्रॉस होके जो हमारे पास जाएगा लाइट। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को ऐसे ब्रेक कर देंगे, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, यहाँ रेडियस R1, यहाँ R1, R2, क्योंकि ये है R2 और R2, ठीक है, ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका हमारे पास फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ नहीं है, सो इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2, ठीक। अब हमारे पास जो 1/f वो हमको निकालना है, सपोज इसको f3 बोल देते हैं, अगर ये f1 है और ये f2 है तो ये f3 हो जाएगा। F3 जो होगा वो क्या होगा, म्यू कितना है 1.3 है इसका, जो कि है N2, ठीक है, -1। R1 जो है वो क्या होगा, अगर ये ओरिजिन मारे तो R1 होगा लेफ्ट साइड में पड़ेगा, ठीक है, R1 लेफ्ट साइड में पड़ेगा तो R1 क्या आएगा, नेगेटिव, और R1 की वैल्यू हमको वैसे दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और हमको R1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर इसलिए दे रखी है क्योंकि जब भी जो हमारे पास क्या कहते हैं एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो और म्यू हो वो 1.5 हो, सो फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है, वो कैसे, 1/f = 1.5 - 1/r - -1/r, ठीक है, सो यहाँ से f = r आ जाएगा, सो जो हमारी फोकल लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, सो यहाँ जो r1 होगा वो क्या मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ का होगा और डायरेक्शन नेगेटिव होगी, सो -1/30 माइनस, और जो r2 होगा वो प्लस होगा, प्लस राइट साइड होगा 1/70, ठीक है। सो यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे, सो F3 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -70 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमको इन तीनों को एक ही लेंस बनाना है, सो हमारी क्या होगी, जो F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा वो यूज़ करेंगे, और उसमें क्या होता है, जो पावर है जो कि होता है 1/f, उन सबको एड अप कर देते, सो 1/F बोल देते हैं फाइनल फोकल लेंथ, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, सब रखेंगे, 1/f1 है 1/30, 1/f2 है 1/70, 1/f3 है -1/70, सो ये तो सीधा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से जो हमारी कैपिटल F की वैल्यू आ गई वो आ गई 30 सेंटीमीटर, और वो प्लस में। अब हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, लेंस फार्मूला यूज करेंगे, जो होगा 1/v - 1/u = 1/f, जो हमारा जो u है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में रखा है और 90 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, सो -90 u आ गया, और यहाँ से हम वैल्यू यूज करेंगे u की और f की v निकालने के लिए, v निकालने के लिए सो 1/v - - - + हो जाएगा 1/30, और जो यहाँ से v हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर प्लस का, जो कि हमारा आंसर है। सो इसका मतलब अगर रे डायग्राम बनाए, सो एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ क्योंकि उसका फोकल लेंथ प्लस में, उससे 90 सेंटीमीटर दूर एक हमारा ऑब्जेक्ट है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, सो यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, और ये कहाँ बनेगी 45 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।